हेलो गाइस, तो होली आ रहे और होली में अगर मालपुए नहीं बनाए तो क्या बनाए। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बिना चाशनी वाला मालपुए का रेसिपी। तो इसके लिए आपको ले लेने हैं एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी सूजी और एक कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर मीठा वाला यूज़ किया था, इसलिए मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी यूज़ कर रही हूँ, पाउडर शुगर। आप बस चीनी ले लीजिए और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। और मैंने इसमें एक इलायची भी डाल दिए थे ताकि जो एसेंस है इलायची का वो भी आ जाए। तो यही आपको करने हैं। और आप अगर बिना मीठा वाला मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो आपको चीनी 1.5 कप कर देने हैं। और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े से दूध मिलाइए और इसे हल्के हाथों से आपको चलाते जाना है ताकि जो बैटर है वो लम्स फ्री बने। और हम लोग का जो होली है वो स्पेशली बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है जिसमें हम लोग कलर्स के साथ खेलते हैं और डिफरेंट टाइप्स की मिठाई बनाते हैं। और आपका होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आपको इसमें डाल देने हैं 1/2 कप पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसे भी आपको मिला लेने हैं और एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए इसे ढक के रख दीजिए। उसके बाद देख सकते जो सूजी है वो पूरी तरीके से फूल गया है, तो इसमें हम लोग को और थोड़े से दूध ऐड करने हैं। तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ग्लास दूध लगे थे। आपको भी ऐसे ही बैटर बनाने हैं। आप देख सकते कि बैटर का कंसिस्टेंसी कैसा होगा। आप चाहे तो इसमें इसको पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो टेस्ट है वो अलग ही आएगा। तो मैं टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरा ही दूध से ही बनाया है। तो ऐसे करके आपको बैटर को बना लेने हैं। अभी कर लेने हैं आपको कढ़ाई में तेल को गर्म। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकती हैं या फिर पैन में भी। और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालने हैं और अच्छे से इसको तल लेने हैं। पहले एक साइड तलिए तो देखिएगा कि जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो ऊपर में तैरते हुए आ जाएंगे, तब दूसरे साइड में इसे पलट दीजिए। और गैस को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम में ही तले ताकि ये बहुत अच्छे से पके, साइड से क्रिस्पी भी हो और नरम भी रहे। ऐसे करके आप सारे पोहे को तल लीजिए। इसमें चाशनी भी बनाने नहीं है आपको और जो मीठा है ना वो बहुत ही बराबर आता है। आप जो एक कटोरी चीनी डालते हैं ना उसी से जो मीठा है वो बहुत अच्छे आते हैं। आपको अगर और मीठा खाना अच्छा लगता है तो आप चीनी और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मालपुए है ना, इसे आप अगर एक बार बना के खाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो गाइस, हैप्पी होली इन एडवांस और डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।